नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं वो है कॉमेडी के माल धमाल। जी हाँ, मेरे भाई सुनील पाल, जोरदार तालियां। भैया राम राम। राम राम, नमस्कार। मैं हूं सुनील पाल और ये है मेरे लालम लाल आशुतोष, दोस्तों के दोस्त। सुनील भाई, आज तक हमने आपको कॉमेडी करते देखा, पूरे देश को हंसाते देखा, हम ये पूछना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही बिगड़ा हुआ था वो तो दिखते हो, तो नो डाउट। 1975 में दो चीज़ें रिलीज हुई थी, सुनील पाल और फिल्म शोले। अच्छा, 1975 सुनील पाल और शोले। शोले, अच्छा। तो ये बॉलीवुड के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण देश है, अपना साल है, चल रहा है, क्योंकि मैं 1 मई को होता है मजदूर दिवस जी, और मैं 2 को पैदा हुआ, 2 मई को पैदा हुआ। तो आप तो बड़े मजदूर हुए, मतलब बहुत बड़ा, मतलब मजदूरी मतलब जीता जागता मजदूर पैदा हुए। तो वो दिन है, आज का दिन है, मजदूरी करते जा रहा हूँ दर्शकों को। नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई, दर्शक जानना चाहेंगे कैसे है सुनील भाई। हाँ, बस वही से, बचपन से जब स्कूल में जाता था तो रास्ते में टॉकीज पड़ती थी। ये मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर। अच्छा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं मेरे अंदर दोनों बॉर्डर का समावेश है, मैं बाहर से साउथ इंडियन लगता हूँ और अंदर से महाराष्ट्रियन हूँ। तो वहाँ से चांद मुंबई जब आया, चंद्रपुर का चांद, तो उनको उसको शहर को प्यार से चांदा ही कहते हैं। अच्छा, चांदा ही कहते हैं। तो आपको क्या लगा कि कब लगा मुझे बॉम्बे जाना चाहिए? देखिए, बचपन से स्कूल जाते मैंने कहा ना कि काफ़ी सारे पान की दुकानें होती थी जहाँ गाने बजते थे, पोस्टर लगते थे, फिर फिल्म के थिएटर आसपास पढ़ते थे। तो मुझे ज़्यादातर मुझे उसी माहौल का मज़ा आता था स्कूल में कम, लेकिन जैसे छुट्टी होगी मैं वहाँ जाके थिएटर, मतलब घंटों घंटे पोस्टर ही देखे जा रहा हूँ, घंटों घंटे पान ठेले पर डायलॉग ही सुने जा रहा हूँ, गाने ही सुने जा रहा हूँ, शोले के डायलॉग बज रहे हैं, कहीं गाने बज रहे हैं, वो माहौल मुझे अट्रैक्ट करता। मतलब पान वाले जिन लोगों से परेशान होते हैं वो आप ही थे, क्योंकि खाते पीते कुछ नहीं थे, काम के खड़े पोस्टर ट्रेलर देखते थे। जी जी जी, वो चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि मैं डायलॉग बोलने लगा, मैं गाने गाने लगा। अच्छा, और दोस्तों में, स्कूल में, गैदरिंग में, यहाँ वहाँ। तो मुझे पहला जो मैंने डांस किया वो फिल्म हिम्मत वाला, जीतू जी की फिल्म आई थी ना। अच्छा, ताकी रे ताकी। हाँ, तो उसका गाना मैंने डांस किया था, मैंने, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। और इस गाने पे भाई जान मुझे एक स्टील का कटोरा फर्स्ट प्राइज मिला। फर्स्ट प्राइज इसलिए नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छा डांसर था, बाकी बहुत बुरे थे भाई। देखो, मांगते मांगते आदमी फकीर बनता है। पहला प्राइज आपको वहाँ मिला? यही बात मैंने जब पिताजी को कही कि भाई मुझे कटोरा मिला, बोले वेरी गुड, अब तुझे अच्छा बिजनेस मिलेगा, इसे लेके जा और पूरी दुनिया में जो मांगता है वो मांग। लेकिन कितनी सच्ची बात है, कितनी अच्छी बात उनके जबान से निकली कि पूरी दुनिया से जो मांगता है वो मांग। भाई साहब, हम तो ये कहते हैं कोई भीख नहीं देगा तो आपका कटोरा नहीं छीन सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कटोरा आप लेके वहाँ से, आजकल बॉम्बे में ऐसा होता है कटोरा भी ले लिया जाता है, भीख तो देते कटोरा भी ले लेते हैं। भैया कहते हैं ना, एक के बाप एक है। भाई आपके अलग है, मेरे अलग है, एक का बाप एक ही है। तो जब वहाँ से मुंबई आए, वो सफर कैसा रहा, वो स्ट्रगल मुंबई आके? भाई स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ जब बॉम्बे आया, क्योंकि मिठू चक्रवर्ती साहब का एड्रेस लेकर आया था मायापुरी से। अम्मा, और बस वैसे ही मैंने मिठुंदा देख देख तेरा बेटा, दोनों का तेरा आदमी रोटी खाया। अब वहाँ पहुँचा तो कोई बंगले के घर करता तो एंट्री देगा नहीं। मिठुंदा से तो मुलाकात नहीं हुई, फिर भटकते भटकते बैंड्रा से सांताक्रूज में एक चाय वाले के पास चाय पी रहा था। मेमो से मिलाते तब शायद, मेमो तब, अच्छा मेमो नहीं हुए, हल्का रहा भी होगा, हल्का हल्के रहे होंगे, याद नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पुरानी। 25 साल पुरानी। तो जैसे ही मैं सांताक्रूज में पहुँचा, चाय पी रहा था, मेरी फटी हुई हाल को देख कर चाय वाले ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा मैं नागपुर से आया हूँ। तो इत्तेफाक से वो भी नागपुर का निकला। अच्छा, तो उसने बोला कि क्या करना है? तो फिर उसको मैंने पूरी कहानी सुनाई, बोले आप क्या करेगा, वापस जाएगा या रुकेगा? मैंने कहा मैं रुक सकता हूँ, कैसे रुकूँ? बोले चाय की दुकान में नौकरी कर ले। बोले कैसे? बोले फटका बॉय। तो मेरी उम्र 19 साल की, छोटे 4 नंबर पे पानी लगा, चाय मार, ये कर, छोटे बंद मक्खन दे, खस्ता क्या क्या होती है सब चीज़ें दे। सांता क्रूज में ना जो फुटपाथ पे चाय की दुकान जिसमें मैंने काम किया, उसके इस तरफ हिंदू शमशान भूमि, इधर मुस्लिम कब्रिस्तान, पीछे सेमेंट्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ऐसा मैंने मेल कहीं नहीं देखा। अच्छा, तो और उस चाय की दुकान पर, वो मैं आज भी जब भी मैं जाता हूँ उस फुटपाथ को चूमता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए स्कूल का साबित हुआ। वहाँ हर तरह के ग्राहक आते थे, बंगाली, सिंधी, गुजराती, हरियाणवी, मारवाड़ी, और सबके टोन मुझे पता, मतलब पूरा हिंदुस्तान आता था, पूरा हिंदुस्तान। तब मुझे समझ में आया कि चाय का, चाय बेचने वाले का भविष्य है, भविष्य है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश में तो।
भविष्य तो उज्जवल है चाय बेचने वाले का। हम एएम वाले चाय थे, सुबह वाली चाय। अच्छा सुबह वाले थे। मैं ढाबे वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बनूंगा। तो जब पहला ब्रेक मिला आपको सुनील भाई, वो कब था, कहाँ था, कैसे था? पहला ब्रेक फिर 3-4 साल फुटपाथ पे गुजरे, थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ कुछ और। उसे रोड इंस्पेक्टर कहते हैं। रोज शोज ऑर्केस्ट्रा शोज करना शुरू किए, मिमिक्री करता था, कलाकारों की आवाज़ निकालता था, तो देश विदेश में शोज करने का मौका मिला। फिर धमाल नंबर 1 करके डीडी मेट्रो पे एक सीरियल आता था, उसमें मुझे मेन लीड कॉमेडी का मौका मिला 99 में, और उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर किए। उसके बाद मतलब जो प्लेटें आप उठाते थे जयंत भाई रख के आते थे क्या? जयंत भाई हमारे पुराने दोस्त। अच्छा। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ प्लेबैक सिंगर के साथ, बड़े बड़े स्टारों के साथ, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके साथ वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला मुझे, सिंगर्स में सोनू निगम और तमाम कलाकार। फिर 2005 में, तब तक मैं जॉनी जी के पास, जॉनी भाई हमारे जी लिवर साहब, उनके घर पे जाता था, उनके छोटे भाई जिमी मोजेस उनसे सीखता था। जॉनी भाई तो बहुत बिजी रहते थे, लेकिन उनके छोटे भाई भी मिमिक्री करते हैं, उनसे मैं सीखता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक दिन आइडिया दिया कि बोले यार एक प्रोग्राम बन रहा है ऐसा लाफ्टर चैलेंज, तू जाके ऑडिशन देख रहा है। ऑडिशन देख मैं देखे आया ऑडिशन और सिलेक्शन हो गया, और उस शो के बारे वो तो पूरे देश ने देखा है लाफ्टर चैलेंज, तो फिर पूरे देश ने देखा है। 2005 में, मतलब 2005 में 1995 में बॉम्बे आया, और 2005 यानी 10 साल के बाद तकदीर का दरवाजा खुला। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप, खुल के बोल दो? बिल्कुल खुल के बोलना। मैं हालात की वजह से हालात को सामने रखता हूँ ताकि मैं बच जाऊँ। मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो, ठीक है, मैं भी लुढ़क लुढ़क के मैट्रिक पास हूँ। और मैट्रिक पे मैं मैट्रिक से पास हूँ। अच्छा, बहुत ट्रिक लगाई उसके बाद, बहुत ट्रिक लगाने के बाद पास हुए। आप जीवन के जो बंधन में इंसान बनता है, जब कुछ कमा लेता सोचता है जीवन के बंधन है बंधु, तो आप का कब वो समय आया जब आपको अपनी धर्म पत्नी मिली और जीवन के बंधन में बंधे? 2006 में फिर मेरी शादी हुई, 5 में लाफ्टर आ गया। ये देखो, मतलब कमाऊ पूत से ही शादी करता है इंसान है तो हिंदुस्तान में मशहूर, मतलब लड़का कमा रहा है तो कर दो, है तो छोकरी है। हाँ, स्वाइप मशीन है तो वाइफ हसीन है। वाइफ हसीन है, स्वाइप मशीन है तो वाइफ हसीन है, नया वाला निकला। और स्वाइप में अगर माल है तो वाइफ ज्यादा हसीन है। तो 2006 से आप को एक मेरे जीवन में हरियाणा शुरू हो गया, हरियाणा शुरू आने था। हरियाणा शुरू हो गया था। अच्छा, हम आपसे सुनना चाहेंगे जॉनी लीवर साहब की आवाज में हमें कुछ सुनाए। बाबा ये सुनील पाल जो है मेरा बच्चा है, नन्ना मुन्ना था, छोटा था तब आता था, आज भी आता है, लेकिन खाने के टेबल में बिठा बहुत खाता है, खाता है। ये शक्ल से भूखा लगता है, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि जॉनी लीवर रहते हैं ऑक्सफोर्ड टावर में, और ये अपने आप को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहता है। इस पे भी मुझे शक होता है कभी कभी, आशुतोष मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप आज के समय में आप क्या कर रहे हैं? आज के समय में मैं चारों पांचों प्लेटफॉर्म पर बिजी हूँ। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म से तो बॉम्बे आ गया, हाँ। लेकिन उसके बाद जो प्लेटफॉर्म मुझे मिले स्टेज पर बहुत बिजी हूँ, भगवान की दया से। टीवी पर भी चल रहा है, डिजिटल बहुत बिजी हो, भी बिजी हो। मेरा एक शो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल चलता है मेरा, सुनील पाल ऑफिशियल जी, उस पर भी सुनील पाल ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें उसको प्लीज, शेयर करें और रायते की तरह फैला दें। और एक फिल्म होम प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी चौथी फिल्म, इसके पहले चौथी फिल्म आ चुकी है, भावना को समझो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सालों बाद आया हूँ। हाँ, सालों वो फिल्म बाद आया हूँ। फिर मनी बैग गारंटी आई थी, फिर बिग बॉस आई थी, और अब आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक। अच्छा, जिसमें हमारे प्यारे आयुष भैया ने भी बहुत बढ़िया काम साथ किया, काम किया है, इतना जबरदस्त काम किया है। इनका कैरेक्टर देख के आपको हंसी भी आएगी, इन पर गुस्सा भी आएगा, ये कॉमेडी विलन बने हैं, बड़ा कॉमेडी विलन बने हैं। तो सुनील भाई, हम पूछेंगे जो ये यूथ जो बॉम्बे की तरफ आता है, उसको सबसे पहले क्या तैयारी करके आना चाहिए? भाई देखिए, लॉकडाउन टू अनलॉक में मैंने काफ़ी सारे नए कलाकारों के साथ भी काम किया, मेरी जो फिल्म जिसमें हम कर रहे हैं लॉकडाउन टू अनलॉक, जो नया जो यूथ आता है, तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब वो 20-25 साल पुराना टाइम नहीं रहा, अब आपको डायरेक्ट स्ट्रगल करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए सब है, आपके कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कहीं दिल्ली में रहते बेचारे, कहीं कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन उनका बहुत नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कला है, तो माँ बाप को छोड़ के ना जाने के बजाय आपको वहीं से बुला लेंगे, वहीं पर आप करिए और अपने जगह पे सीखिए, और आपको ऐसा लगता है तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, पेज बनाइए और अपनी चीज़ें पेश कीजिए। अगर आप हिट हो गए डब्बू अंकल की तरह डांस करते हुए, हाँ, डब्बू अंकल हिट हुए हैं रानू मंडल की तरह, हाँ, कहानी तो आपकी कहानी बन जाएगी और अच्छी कहानी बन जाएगी,
तो ज्यादा बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आप में कलाकार है तो आपको वहीं से बुला लेंगे जी। अब देखो यहाँ पे ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, ये देखो बुला के लाए हैं ढाबे से, ढाबे से उठा के लाए। अच्छा मैं तो सोच रहा हूँ मैं आप चाय से आए, मोदी जी चाय से आए, चाय वाले थे, मैं ढाबे से आया, मुझे लग रहा है मैं अमेरिका का राष्ट्रपति ना बन जाऊँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग आने लगी। मतलब कि चलता वही है जो पकाता है, चलता वही है जो पकाता है और अच्छा गौर से पकाता है। अच्छा भैया जैसे किसान आंदोलन चल रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए किसान आंदोलन चल रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ भैया कि जिसकी वजह से हमारे घर में अन्न बनता है जी, उसके साथ अनबन ठीक नहीं, अनबन ठीक नहीं, बहुत बढ़िया बात कही, जिसकी वजह से हमारे घर में अन्न बनता है उसके साथ अनबन ठीक नहीं। पहले अन्नदाता बाकी अन्य बाद फिर अन्नदाता, अन्नदाता करदाता जो भी हैं सारे के सारे बाद में कर। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर किसान थोड़ा सा भी नाराज है या कुछ कंफ्यूजन चल रही है तो मुझे लगता है कि हम सब भारतवासियों को मिलके उनके बारे में सोचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब कुछ के बिना जी सकते हैं, रोटी के बिना नहीं जी सकते, अन्न के बिना नहीं जी सकते, और वो हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता है, बिल्कुल सही बात है, हमारे अन्नदाता हैं। और जैसे इस बार बजट आया है, बजट में मोदी जी ने अडवाणी जी को कहते हैं बिल्कुल ही फ्री कर दिया कि अब आप टैक्स नहीं दोगे, आप टैक्स फ्री हो। देखो मेरे लाल, मैं इस लाल कृष्ण और मैं अडवाणी और बता रहा हूँ अपनी दर्द भरी कहानी। इस बार बजट में ही उन्होंने, मोदी जी ने मुझे सिर्फ फ्री नहीं किया है, वो तो मुझे सदियों से ही फ्री करता रहा है। अच्छा फ्री करते रहे हैं, प्रधानमंत्री पद से फ्री किया, फिर बीजेपी अध्यक्ष पद से फ्री किया, फिर राष्ट्रपति पद से फ्री किया, अब मुझे लगता है कि वो फ्री करवा के ही छोड़ेगा, मतलब कस्टमर केयर सेंटर बना के छोड़ेगा, ऑल टाइम फ्री, जब मर्जी कॉल करो। लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना संभाल लेता हूँ, मैं टेंशन फ्री हूँ, टेंशन फ्री हो। तो भैया आपने बहुत अच्छी अडवाणी जी की मिमिक्री करके दिखाई, एक लालू जी की भी आपसे एक मिमिक्री सुनना चाहेंगे। देखिए पगला, लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला है, तेजस्वी क्या कर रहा है? तेजस्वी जो है, तेजस्वी बहुत बढ़िया लाल है, हमारा हमारा लाल है इसलिए लालटेन लेके घूम रहा है, लालटेन। लेकिन तेजस्वी दिन में भी लालटेन लेके घूम रहा है, वो गुड मैन दी लालटेन है, इसलिए उसको मंजिल नहीं मिल रही है। अब दिन में ना चले गया, रात में चलाइए। लेकिन लालू का बात हंसी है क्योंकि सुनील पाल लालू का चेला है, बिल्कुल चेले जो सुनील पाल का जितना खेला है वो सब हमने ही दिया है, हमारा मटेरियल है, हमारा मटेरियल दे रहा है। सुनील पाल के जोक पे हंसेगा उसको मिठाई रबड़ी मिलेगी, राबड़ी रबड़ी मिलेगी, अच्छा रबड़ी मिलेगी। सुनील पाल के कॉमेडी में नहीं हंसेगा वो ससुर नीतीशवा का आदमी है, नीतीशवा का आदमी है, प्योर विपक्ष का आदमी है। जाते जाते हमारे दर्शकों से सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितना प्यार आप मुझे देते हैं मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, आप मुझे प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है। हंसाना मुश्किल है लेकिन हंसना और भी मुश्किल है, आप हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, आप हमारे लिए क्राउड नहीं प्राउड है, आप ही हमारे लिए सब कुछ अन्नदाता, किसान जैसे हमारे अन्नदाता है वैसे आप हमारे अन्नदाता है, आप हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं, आप ही हमारे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, इसलिए जीवन में कहीं अगर गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना वन और कोरोना टू से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब हो हम सब के लाल। यही तरीके से दुआ दे रहे सुनील पाल और साथ में आशुतोष है। क्या कह दिया कवि ने जो सुन लिया सभी ने, क्या बात है, क्या बात, तालियां, थैंक यू।